हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं छोटा सा ब्लॉग डालने जा रही हूँ, आप मेरे ब्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी और उसके साथ रोटी बनाऊँगी। आज क्या कहते हैं, चावल इसलिए बनाऊंगी कि घर में बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जल्दी चावल बन जाते हैं, और हस्बैंड मेरी रोटी खाते हैं तो उनके लिए रोटी बनाऊंगी। और क्या कहते हैं, फिर जल्दी सा खाना काम वाम करके फिर चलेंगे हम पार्क में। फ्रेंड्स, अब रसोई गंदी पड़ी है, जल्दी से मैं रसोई साफ कर लेती हूँ। सब्जी वगैरह काट के उनको छोड़ दूँगी, और बर्तन पड़े हैं कि वो वाश बेसन पे उसे माँज के, माँजने के बाद फिर हम चलते हैं पार्क में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आलू छील रही हूँ। आलू छीलने के बाद ये मैं आलू काट रही हूँ। आलू मैंने काट दिए हैं सारे, ये मैंने क्या कहते हैं आलू धुल के रख दिया है। अब मैं सोयाबीन फुला रही हूँ, क्योंकि सोयाबीन जब तक फूल जाएंगे इतने में फिर मैं बर्तन साफ कर लूँगी। ये मैंने बर्तन, ये लंच वगैरह थे मेरे हस्बैंड के, मैं उनको साफ़ कर रही हूँ। मैंने सोचा बर्तन के साथ ही साफ कर देती हूँ, इन्हें मैंने बर्तन साफ कर लिया है, कर रही हूँ। ये मैंने बर्तन साफ कर दिया, बर्तन धुल रही हूँ। अब ये मैं यहाँ पे पानी था फ्रेंड्स, मैंने पानी साफ कर दिया। अब मैं सब्जी सोख रही हूँ, मैंने गैस ऑन कर दिया है, कुकर रख दिया। ये छोटा सा कुकर है हमारे लिए, हम चार जने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादा बड़ा फैमिली नहीं है, दो बेटियाँ और मैं और मेरे हस्बैंड हैं, वो हमारे लिए परफेक्ट है ये कुकर। ये मैं तेल डाल रही हूँ, मैंने प्याज काटा है, अब ये मैंने टमाटर ले लिया। टमाटर थोड़े थोड़े से ख़राब से हो रहे थे, मैंने उसका छिलका निकाल दिया। अब मैं ये काट रही हूँ प्याज, प्याज है। ये मेरी छोटी बेटी है, मुझे देख रही है कि क्या कर रही है मम्मी, मेरे पास आ गई है बैठने। बहुत शैतान है ये फ्रेंड्स मेरी बेटी, बस वहीं कमरे में वहाँ पे शैतानी करने गई है। इतने में सब्जी फटाफट छोक देती हूँ। ये सारे मसाले हैं, मसाले ज़्यादा मसाले मैं इस्तेमाल नहीं करती, हल्दी धनिया मिर्च और नमक, इनके अलावा मैं कुछ ज़्यादा खास मसाला इस्तेमाल नहीं करती, ना ही मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा गरम मसाला वगैरह, गर्मी है तो मैं यूज़ भी नहीं करती। ये प्याज हो गया हमारा, ये हमने थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, पानी डाल दिया फ्रेंड्स। आज मेरे पानी वाला नहीं आया था तो मैंने फ्रिज के पानी का इस्तेमाल करना पड़ा, तो ये मैंने पानी डाल दिया ताकि ज़्यादा वो ना हो, धुआं धुआं सा दशक सी बन जाती है कमरे में, इसलिए मैं थोड़ा सा मसाले के साथ पानी डाल लेती हूँ। ये आलू हमने डाल दिया है, ये सोयाबीन था, सोयाबीन फूल गए हैं, मैं इसको भी इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। ये मैंने चला दिया है, फिर पानी डाल दिया,
नमक डाल रही हूँ मैं, बस ये हो गया मेरा। चला के फिर उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी, पानी डाल दोगे जितना हमें चाहिए। चावल के साथ तो दोस्त पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने पानी ज़्यादा ऐड कर दिया है इसमें। ये रख हो गया हमारा, ढक्कन लगा दिया, अब सीटी आ जाएगी उसके बाद सब्ज़ी बन जाएगा। ये चावल मैं भिगो रही हूँ, जब भीग के चावल सही गल जाते हैं। थोड़ी देर जितने सब्ज़ी हो रही है इतने चावल मैं भिगो के रख देती हूँ। ये रहा, हमने पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, बस ये रखा हुआ है। ये सब्ज़ी मेरा तैयार हो गया। इसके बाद हमने चावल को फिर से धो लिया कुकर, फिर हम इसको क्या कहते हैं, धुलने के बाद इसे कुकर में डालेंगे और फिर गैस पे चढ़ा देंगे। बस हमने ये बंद कर लिया कुकर, गैस ऑन कर लिए। ये हमने चावल चढ़ा दिया है, अब ये आटा है। मेरे हस्बैंड रोटी ज़रूर खाते हैं चावल के साथ, उनको चावल इतना पसंद नहीं है, तो मैंने उनके लिए आटा लगा लेती हूँ। ये आटा लगा रही हूँ, आटा हो गया मेरा तैयार, उनके लिए रोटी डाल दूँगी बस। तो ये मैंने रोटी सेक ली है उनके लिए। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है तो गर्मी में बस ऐसा लगता है कि जल्दी से रसोई में से निकल जाओ। आपको नहीं लगता? मुझे तो ऐसा ही लगता है। बस मैंने रोटी सेक ली है, फ्रेंड्स मैं पार्क नहीं जा पाई क्योंकि शाम का काम ज़्यादा था, मुझे बर्तन मांजने थे, दूध गर्म करना था, और आपको बताया तो था मेरे पैर में प्रॉब्लम है, तो उसकी मेरी दवाई चल रही है, तो उसे दवाई भी खाने थे, इस वजह से मैं जा नहीं पाई। इसलिए मैं आपको आगे नहीं, कल दिखाऊंगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग बनाऊंगी, तो उसे पक्का दिखाऊंगी मैं ज़रूर, और टाइम से ही काम कर लूँगी। और फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार देने की कोशिश करो। थैंक यू फ्रेंड्स।